हाय फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो में आप अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देखेंगे जो स्पीडी, लुसेंट और रुक्मिणी सार संग्रह से लिया गया है। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। पलासी का युद्ध कब और किस नदी के तट पर हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी को भागीरथी नदी के तट पर हुआ था। मुंबई में रैयतवाड़ी व्यवस्था कब शुरू हुई थी? 1825 ईस्वी में। 1912 ईस्वी से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो ये फूट डालो और शासन करो था। गरम दल और नरम दल के एकीकरण में 1916 ईस्वी में कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? तो अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन और प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन से आयोग का गठन किया था? ये हंटर समिति का गठन किया था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए कौन सा अखबार जारी किया था? इंडियन ओपिनियन। 1903 ईस्वी में प्रकाशन प्रारंभ हुआ। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। ये कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में 1917 ईस्वी में अध्यक्षता की थी। और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस कारण हुई थी? काकोरी कांड के लिए। काला पानी की जेल का अन्य नाम है सेलुलर जेल है। 1909 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कौन सी पुस्तक में लिखा था कि अगर भारतीय अंग्रेजों का साथ ना दे तो ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगा? हिंद स्वराज में। दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए 1930 ईस्वी में किसने पृथक निर्वाचन की मांग किया था? भीमराव अंबेडकर ने। प्लासी युद्ध के समय अंग्रेज सेनापति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव थे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने तैयार किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। कौन कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देश बंधु किसे कहा जाता है? चित्रंजन दास को। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आयोग के विरोध करने के दौरान हुई थी? ये साइमन कमीशन के विरोध करने के दौरान हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अरुणा अशरफ अली ने कहाँ झंडा फहराया था? ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत कहाँ से लिया गया है? ये आनंद मठ से लिया गया है। साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? एक भी नहीं थे इसमें। सभी सातों सदस्य ब्रिटिश थे। गांधी जी 1917 ईस्वी में चंपारण किसके कहने पर आए थे? राजकुमार शुक्ल के कहने पर। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में असेंबली में बम किसने फेंका था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। 1919 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? अमृतसर में। विधवा पुनर्विवाह किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के काल में 26 जुलाई 1856 ईस्वी को। किस आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किए थे? साबरमती आश्रम की। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में 30 दिसंबर 1924 में। भिकाजी कामा 22 अगस्त 1907 ईस्वी में झंडा कहाँ फहराई थी? जर्मनी में। बिहार के चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह कब शुरू किया था? 1917 ईस्वी में। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 ईस्वी में। इंडिया गेट किसने डिजाइन किया था? एडवर्ड लुटियस ने। आजादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस कब मनाया? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद नायडू यानी सर की उपाधि वापस लौटा दी थी? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में।
पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से हुआ था। क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटेन का पीएम कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह। महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? चौरी चौरा कांड के बाद। लौह पुरुष यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को। कांग्रेस सदस्यों द्वारा 26 जनवरी 1930 ईस्वी को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में। अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री कहां पर खोली गई? सूरत में 1608 ईस्वी में, जो नियमित रूप से 1613 ईस्वी से कार्यरत हुआ। केसरी न्यूज पेपर के संपादक थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे थे माइकल ओडायर को लंदन में जाकर गोली मारकर हत्या किसने किए थे? तो उधम सिंह ने किए थे। मानव जाति प्राचीन समय में भारत के किस क्षेत्र में रहती थी? नर्मदा घाटी में। महात्मा गांधी को भिखारी के वेश में महान आत्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। 1875 ईस्वी में इंडिया लीग की स्थापना किसने किया था? सुशील कुमार घोष ने। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह पर पूर्णतया रोक से। समुद्री यात्री कौन थे जो भारत की खोज में निकले थे लेकिन उससे पहले वह अमेरिका पहुंच गया? क्रिस्टोफर कोलंबस।